नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। आज हम खड़े फतेहपुर में, मोती होटल पैलेस है ये फतेहपुर का, और यहाँ पर एक बड़े संख्या में आप हैं। यहाँ पर युवा देख सकते हैं ये क्यों इकट्ठे हुए हैं, पूरी जानकारी है मैं आपको देता हूँ। संदीप सिंह चैनपुरा है, वो अपने दलबल के साथ है माता जी के मंदिर में, करणी माता मंदिर देशनोक जा रहे हैं पूरी टीम के साथ। आप देख सकते हैं कितना गाड़ियों का काफिला है उनके साथ में है। मैं बोलूंगा कैमरामैन को, कैमरा घुमा के वो दिखाए एक बार। ये देखिए कितनी गाड़ियों के साथ है वो देशनोक जा रहे हैं। यहाँ पर है जो कायम सिंह डाबड़ी है, उन्होंने संदीप सिंह चैनपुरा का स्वागत किया है। उनसे पूछता बात करते हैं हम कि करणी सेना का नया संगठन बनने जा रहा है, उसका नाम क्या है, कितने लोगों के साथ वो राजस्थान से करणी माता मंदिर पहुंच रहे हैं। संदीप जी, यहाँ पर आपका स्वागत किया है कायम सिंह जी ने। सबसे पहले तो मैं चूरू झलक को धन्यवाद देना चाहूंगा, और मेरे जो मित्र हैं कायम सिंह डाबड़ी, जितेंद्र सिंह मरडाटू, कान सिंह मरडाटू, और भी ये जितेंद्र सिंह जी हैं, और भी जितने भी लोग हैं, गजेंद्र सिंह जी वगैरह, पूरे जो जितने भी समाज के, सर्व समाज के लोग हैं, इन्होंने मान सम्मान किया है। क्योंकि हमारी माँ करणी धाम देशनोक के लिए जो यात्रा इधर से राजगढ़ से स्टार्ट हुई थी, उधर गुजरात से राज शेखावत जी आ रहे हैं, और इधर से हमारी जो गाड़ियों का काफिला है, अभी जैसे जैसे आप देखते जाओगे, जैसे जैसे ये यात्रा देशनोक पहुंचेगी, एक बड़ा विशाल वाहन रैली का रूप ले लेगी। और इसी कड़ी के अंदर हम फतेहपुर के अंदर आए, और फतेहपुर के ये मोती होटल के अंदर जिस तरीके से समाज व सर्व समाज के लोगों ने जो स्वागत, मान सम्मान जो किया है, क्योंकि साफा जो हमारा साफा है, वो पगड़ी जो बोलते हैं, साफा बोलते हैं, वो एक सम्मान का प्रतीक होता है। इन्होंने जिस तरीके से ये जो सम्मान का प्रतीक मेरे माथे पे रखा है, कभी इसको नीचे नहीं होने दूंगा, कभी इसके ऊपर कभी आंच नहीं आने दूंगा। यहाँ पर फतेहपुर टीम ने उनका स्वागत किया है। एक मेरा सवाल है, ये करणी माता मंदिर यात्रा है या दूसरे संगठन की तैयारी? नहीं, अभी करणी माता देशनोक दर्शन की यात्रा हम हर बार निकालते हैं हमारे आदरणीय राज शेखावत जी के नेतृत्व में, और अब की बार क्या है, जनवरी में हम हर बार निकालते हैं। अब की बार ये फरवरी का जो समय रखा गया, अभी फिलहाल देशनोक यात्रा का ही प्लान है। उसके बाद वहां दर्शन होने के बाद किस तरीके से क्या समाज के लोग बोलते हैं, उस हिसाब से हम आगे की रणनीति तैयार करें। क्षत्रिय युवा, क्षत्रिय करणी सेना का एक जो लेटर हेड जारी हुआ है, उस पर क्या कहना है, क्योंकि ये आपकी यात्रा से पहले ही जारी हो चुका है, कल जारी हुआ है? नहीं, वो मीडिया को, प्रेस मीडिया को आमंत्रित करने के लिए, प्रेस मीडिया को आमंत्रित करने के लिए हमने अहमदाबाद के अंदर ये लेटर दिया था, और क्षत्रिय करणी सेना परिवार की हम जो घोषणा है, इसलिए मैंने बोला मैं पहले कोई शब्द नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आप तो क्या है, मीडिया हो तो आपने वो चीजें देखी, और समाज के लोगों ने भी देखी। वो लेटर हमने इसलिए वायरल किया था क्योंकि हम किसी भी संगठन के अभी पद के ऊपर नहीं है, ठीक है, हम समाज के एक नॉर्मल कार्यकर्ता हैं, और उसको लेकर राज शेखावत जी ने वहां की जो मीडिया है उनको निमंत्रण दिया था कि हमारी यात्रा निकलने वाली है, उसमें आप सादर आमंत्रित है, और वो लेटर को लेकर वायरल हुआ है। कल से कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी, जो सही लोग है, समझदार है लोग है, वो अच्छी बातें कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी संगठन हो समाज के अंदर, किसी भी समाज के अंदर हजारों संगठन होते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक होता है कि समाज सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, वही ध्येय को लेकर हम समाज के लिए पहले भी समर्पित थे। पिछले 7 साल से सामाजिक सेवा के अंदर हूं, आपने पीछे देखा गुजरात के अंदर चूरू जिले के अंदर गांव गांव ढाणी ढाणी घूमकर इस समाज को और 3600 कौम के लिए हक और अधिकार की हमने बात की। अभी जो यात्रा जो निकल रही है, उस यात्रा के बाद वहां पर देशनोक मंदिर का जो प्रांगण है उसके अंदर हम सब लोग शपथ लेंगे, उसके बाद आगे की क्या रूपरेखा रहेगी, ये क्षत्रिय करणी सेना परिवार का बिल्कुल आप जो बोल रहे हो वहां पर हमारी स्थापना होगी, वहीं से हम एक शपथ लेकर निकलेंगे, क्योंकि हम जो अभी लोग ले रहे हैं वो किसी तरीके से उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो, किसी तरीके से वो क्रिप्टेड नहीं हो, हम अच्छे लोग हमारे संगठन के अंदर लेके इस समाज के अंदर, आज तक सभी संगठन अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, हमें किसी से तकलीफ नहीं है, हम समाज के हर संगठन का सम्मान करते हैं, और समाज के जितने भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उनका सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा एक ध्येय है कि हम समाज को किस तरीके से अन्य संगठनों के अंदर जो काम किया उसके अंदर कुछ कमियां जो रह गई, उन कमियों को दूर करने के लिए अभी ये संगठन में वो कमियां हम दूर करेंगे, और समाज के लिए किस तरीके से हम समाज के लोगों को रोजगार दे सके, किस तरीके से समाज के लोगों के साथ कहीं अन्याय अत्याचार होता है तो हम रिजल्ट लेके उठे, ये नहीं है कि हम कुछ लोग आए, थोड़ी सी भीड़ की, उसके बाद शाम हुई जैसे घर पे चले गए, इस तरीके का क्षत्रिय करणी सेना परिवार में नहीं होगा। एक आखिरी सवाल है, फतेहपुर से अब बीकानेर के बीच में कहां का कार्यक्रम हो रहे हैं, कितने बजे होने, थोड़ी डिटेल में, क्योंकि कार्यकर्ता आपके हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। अभी अगला कार्यक्रम हमारा टीडिया सर जो टोल है उसके ऊपर हमारे मित्र, मेरे बड़े भाई शक्ति सिंह टीडिया सर,
और वहां की जो कर्षण गौशाला समिति है, पूरी समिति की तरफ से सर्व समाज के लोगों ने वहां स्वागत कार्यक्रम रखा है। उसके बाद हम आगे जैसे कड़ी में जाते हैं तो रतनगढ़ के अंदर हमारी गाड़ियों का काफिला मिलेगा, वहां से हम राजलदेसर के अंदर स्वागत कार्यक्रम है, उसके बाद डूंगरगढ़ के अंदर नगर पालिका के सामने स्वागत कार्यक्रम है, उसके बाद लखासर में स्वागत कार्यक्रम है। और ये स्वागत कार्यक्रम इस तरीके से होते हुए देशनोक में जैसे हम इंटर करेंगे, जिस माँ करणी को हम मानते हैं, उस माँ करणी के पुत्र चारण समाज के लोग इस पूरी यात्रा का भव्य स्वागत करेंगे। ये थे हमारे साथ में संदीप सिंह चैनपुरा। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए चूरू झलक पर बने रहिए। कैमरामैन अमित शेखावत के साथ मैं जतन सिंह, नमस्कार।